खुशी साफ झलक रही है आपके पीछे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन है और समाजवादी पार्टी के का जो शानदार काम और जो उन्होंने किया है और कर दिखाया है और जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है उसका परिणाम धीरे धीरे आना चालू हो गया है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 4PM के माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा और पूरे भारत को कहना चाहूंगा, भारत की माटी के कणकण में महक आपकी, जन जन के कल्याण की जन नीति आपकी, जन नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। यहां पर जश्न का माहौल है, अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक जश्न मना रहे हैं, अखिलेश यादव का आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करेंगे आज अखिलेश यादव का जन्मदिन, सभी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत में जुटे हैं। देखिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता जन नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। आज पीडीए पेड़ लगाए जा रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, गरीबों के बीच में है, अनाथालय में है, हॉस्पिटल में है, रक्तदान हो रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम आज चल रहे हैं। ये जन नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जनता उनसे प्यार और मोहब्बत करती है, समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने नेता से मोहब्बत करता है और आज उसी मोहब्बत और प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपने नेता की लंबी आयु की दुआ कर रहे हैं। हमारे नेता वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बने उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अधे वो प्रधानमंत्री बने देश के किसान मजदूर नौजवानों के लिए, दलित पिछड़ों की सेवा के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करें, ऐसी प्रार्थनाएं आदरणीय अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। अखिलेश यादव जैसे ही जवान पर नाम आता है एक नया जोश भर जाता है युवाओं में। देखिए वो आदरणीय अखिलेश यादव जी वो देश के युवाओं की आवाज़ है। अगर नौजवानों की कहीं कोई बात होती, किसान की कोई बात होती, मजदूर की कोई बात होती है, अगर उनके हक के लिए कहीं से कोई आवाज़ उठती है तो वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की होती है। और अगर नीट की परीक्षा की बात हो या पेपर लीक की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, उन सब के लिए अगर किसी ने लड़ने का काम किया, संसद में आवाज़ उठाने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। नौजवान उनसे प्यार करता है, नौजवान उनके लिए जान देने को तैयार है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता किसान मजदूर आज उनकी लंबी आयु की जो है दुआ कर रही है, वो देश के प्रधानमंत्री बने ऐसी दुआ कर रही है और समाजवादियों को भरोसा है कि जो समाजवादियों का सपना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज उनके जन्मदिन पे हम सब इस बात की दुआ कर रहे हैं। आपसे प्रश्न लूंगा, आज सब जी का भव्य स्वागत, तैयारियां काफ़ी और जन्मदिन मन सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ भी दूर तक के देख रहे हो ढोल नगाड़े और भंडारे का आयोजन है, क्या ऐसे देख रहे हैं आज जब समाजवादी पार्टी जब नाम आता है तो युवाओं कहें चाहे बुजुर्गों को बात करें जो जबरदस्त आ जाए। देखिए पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज नौजवान हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, मैं व्यापारी राजनीति से आता हूँ, व्यापारी हूँ, तो मैं तो यही सारी जगह पे आज घोषणा कर रहा हूँ सब जगह कि क्योंकि पीडीए पिछले दलित वोचित संचित की व्यापारियों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी, हमारा हौसला माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी आवाज़ आज अखिलेश यादव जी, तो हम लोग पेड़ का भंडारा लगा रहे हैं। यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के भंडारे हैं, व्यापारी आज पेड़ का भंडारा लगा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 4PM के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा और पूरे भारत को कहना चाहूँगा, भारत की माटी के कणकण में महक आपकी, जन जन के कल्याण की जन नीति आपकी, जन नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। और जैसे अभी आप कह रहे थे प्रवक्ता जी साहब कह रहे थे, हम सब की आस यही है, हम सब की आवाज़ यही है, हम सब की नवचेतना यही है कि माननीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने और व्यापारियों के ऊपर जो GST जैसा कानून लादा हुआ है वो कानून का सरलीकरण हो और माननीय जी हमारी आवाज़ बनकर देश की संसद में देश के सर्वोच्च प्रधान पद को संभाले। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए जो जबरदस्त आ जा रहा है, सभी में लोगों से बात कर रहे हैं, पीछे तक के आयोजन जबरदस्त, बगल में देख रहा हूँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, काफी जोश रहता है आप लोगों में, आज जन्मदिन है आपके बड़े नेता का। आज है माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए के महानायक का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है आज उनके जन्मदिन का बधाई देने के लिए। हमारे तमाम साथी नौजवान बुजुर्ग महिलाएं आप देख रहे हैं, तमाम लोग आज उनको बधाई देने के लिए उमड़ा हुआ जन सैलाब
गवाही देता है कि आने वाले दिन में भारत के प्रधानमंत्री रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को जनता चाहती है। देखिए खुशी काफ़ी है, समर्थक हमारे साथ में क्या कहेंगे आज जन्मदिन। महेंद्र यादव पीडीए का सदस्य हूँ और भैया के जन्मदिन में आया और भैया को बधाई दी और मिलके बहुत अच्छा लगा। मिले, मुलाकात हुई जी, हाथ मिलाया। क्या बातें हुई है भैया से मैंने बोला कि भैया आपके हर छोटे या बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ मैं शामिल होता हूँ अपना टाइम निकाल करके, और बहुत अच्छा लगता है। आपकी रैलियाँ भी बहुत देखी और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो आप यूट्यूब में अपना चैनल डालते हैं वो भी बहुत लाइक सब्सक्राइब। देखिए मुस्कुराहट काफ़ी, एक मिनट रुकिएगा, आज काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी जितने भी समर्थक हैं, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे भैया का जन्मदिन है और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास दो दो खुशियाँ, एक तो हमारी 24 की खुशी, दूसरी हमारी जन्मदिन की खुशी। कि देखिए बड़ा धमाल मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं और ये सरकार इतनी डरी हुई है अब तो ऐसा कर रही कि मैक भी बंद करने लगी है, देख लीजिए। और जो कि इन्होंने कहा था कि हर बात जो भी होगी अच्छे से सदन में होगी, उसके बावजूद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। और अब की जो है मुझे पता है आने वाला समय अब इनका विदाई का आ गया है, क्योंकि अब किन्नर समाज पूरी तरीके से समाजवादी के साथ है, उतर चुका है। ये तो प्रत्याशी रह चुकी बनारस में, इनका पर्चा रद्द कर दिया गया था, ये खड़ी थी अभी 24 में चुनाव के लिए। पर्चा रद्द कर दिया गया लेकिन तब भी आप लोगों ने हिला दिया, अगर चुनाव लड़ी होती तो हमें लगता मोदी जी हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हिला देती। संसद में बड़ा धमाल मचाया हुआ, अखिलेश यादव ने आज मुलाकात हुई जी, बहुत अच्छे से भैया जी बातें हो गई, तो भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने उनका तिलक किया और उनको जन्मदिन का बधाई दी, उन्होंने हमारा खूब आदर किया, खूब सम्मान दिया। अभी यहाँ पर जब मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई आपकी? यही बातें हुई हैं कि अब हम लोग 27 की तैयारी में लग जाएं सब लोग, और हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं क्योंकि हमें पता है इस सरकार को कैसे जवाब देना, ये हमें ऐसे नहीं करने देगी, इसलिए हम लोग अब पूरी तरीके से तैयार हैं। और हमारी जनता भी जाग चुकी है क्योंकि अब के चुनाव जो है लड़ रही वो जनता लड़ती है, अब हम लोग नहीं लड़ते हैं, अब नेता कम जनता ज़्यादा लड़ रही क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है इस समय। देखिए पीछे देखिए, यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो भंडारे हैं, भंडारों पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं। आज जन्मदिन है अखिलेश यादव का, सभी जोश जोश में भरे हुए हैं और सभी यहाँ पर देखिए जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऊपर देखिए वहाँ पे केक लगा हुआ है मंच पे, साफ तौर से तस्वीरें हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर। तो समर्थकों में समाजवादी पार्टी के आप जोश लगातार देख रहे हैं, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हम लोग माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आदेश पे पीडीए पेड़ लगा के उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जो देश की मूल भावना है उसी को हम एक करके माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के कहने पे पेड़ लगा के उनके जन्मदिन को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। संसद भवन में काफ़ी ज़बरदस्त घमासान मचा दिया आपके बड़े नेता ने। बिल्कुल कोई घमासान जैसी बात नहीं है, जो हक की बात है उसकी लड़ाई, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई है जो आज समाज में कोई लड़ नहीं रहा था, उसको अखिलेश यादव जी ने दोबारा शुरू की। जमीन तो किसकी हुई है? सत्ता पक्ष तो बिखर चुका है, एक दबाव कहीं पैसे के खेल से सरकार चल रही जो बहुत लंबे समय तक के चलेगी नहीं। आगे कैसे देख रहे हैं अभी? आगे हम लोग 27 की तैयारी कर रहे हैं और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए 27 की तैयारी अभी शुरू हो चुकी है और जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदेश की जनता को, और ये जन्मदिन हमारे एक भव्य प्रधानमंत्री के रूप में इनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि आने वाले का भविष्य जो हमारे उत्तर प्रदेश का वो बदलाव होगा, और बस समय का इंतजार करते रहिए। अभी तो ये ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है, अभी क्या होगा ये समय की बात है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर तमाम समर्थक हैं हम जिनसे बात कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? पीडीए के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हम लोग पीडीए पेड़ लगाकर एक जनता को मैसेज दे रहे हैं, हम लोग पर्यावरण पे भी ध्यान दे रहे हैं और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर एक लोग जो है ना खून देकर कोई जिस तरह कार्यकर्ता लोग मैसेज दे सकते हैं वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल आज जोश बहुत भरा हुआ, जैसे समाजवादी अखिलेश नाम आता जबान पर चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो जोश जबरदस्त भर जाता। आज का जोश का ये महत्व है कि समाजवादी और जो पीडीए गठबंधन जो इंडिया गठबंधन था वो अपने फुल फॉर्म पे है, और आने वाला 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी जिसका पूरा तरह से माहौल दिख रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये 2027 की आगाज है जो हम आप लोगों के बीच में पूरी तरह से दिख रहा है।
तो तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर भंडारे का आयोजन, बाहर तक के समर्थकों की ये भीड़ आपको नजर आ रही है। और आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सभी 2027 के होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, 3 साल पहले ही बता दे रहे हैं, ये जोश बता रहा है। ऊपर भी बात करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे मंच की तरफ भी। यहाँ देखिए एक बड़ा भंडारे का आयोजन हो रहा है। जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीबों को पूरी सब्जी छोला चावल बांटकर उनके जन्म की खुशियां मना रहे हैं। समाजवादी या अखिलेश नाम जैसे ही आता है, युवा हो चाहे बुजुर्ग, जोश जबरदस्त भर जाता है। वो उसमें कोई कहने की जात नहीं, पिछले चुनाव में लोगों ने जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट दिया है, देश की जनता जान रही है कि प्यार कितना करते हैं लोग उनको। उसी साफ झलक रही है आपके पीछे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन है और समाजवादी पार्टी के का जो शानदार काम और जो उन्होंने किया है और कर दिखाया है और जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, उसका परिणाम धीरे धीरे आना चालू हो गया है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। क्या कह रही मैम? भैया का वो आपको मालूम ही है, आज जन्मदिन है, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। भैया लोग सारा बांट रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, कल भी खूब फल बांटे वो बांटे। अब 27 आ रहा, 27 में देखेगा जलवा हम लोग। काफी जबरदस्त भरा जो जैसे ही 2024 में जनता ने साथ दिया, 2027 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाने का काम करेंगे। देखिए आज जन्मदिन है अखिलेश यादव का और समर्थकों को आप साफ तौर से देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, उसी के तर्ज पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कह रहे तैयार हैं। और आज काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और काफ़ी बधाइयां दे रहे हैं अखिलेश यादव को। और देखने वाली बात होगी जिस तरीके से बात कर रहे हैं समर्थक, जो जोशीले समर्थक है वो प्रधानमंत्री तक की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले चुनावों में क्या होगा वो तो दिखाऊंगा। फिलहाल आज जन्मदिन काफ़ी जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।